पेविंग द वे ऑन कर्तव्य पथ विद कमिटमेंट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो मेरा नाम है सैफ अली और आप सभी का वेलकम है सैफ अली द व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज है बहुत ही खदा खास दिन, क्योंकि आज है 26 जनवरी और जैसा कि आपको पता होगा 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह वॉक करने नहीं निकला हूँ, मैं जा रहा हूँ इंडिया गेट पे परेड देखने। तो अभी मैं हूँ दिल्ली में और मैं बढ़ रहा हूँ कर्तव्य पथ की तरफ। तो फ्रेंड्स, जब मैं बचपन में टीवी में परेड देखता था तो यार मन करता था कभी ऐसा दिन भी आएगा कि जब मैं खुले आसमान में बैठ के परेड देखूंगा तो उस टाइम क्या फीलिंग होगी। तो फ्रेंड्स, आज वो फीलिंग मैं लेने जा रहा हूँ। तो आज मैं बैठकर लाइव परेड देखने जा रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है ये। अभी मैं चलकर जा रहा हूँ इंडिया गेट की तरफ। एंट्री टाइम जो थी वो थी 7 बजे और अभी बज रहे हैं 6:45। तो 7 बजे से 9 बजे तक की टाइमिंग है, तो बड़े आराम से पहुंच जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जैसे कि मैं गुड़गांव रहता हूं और अभी मैं हूं दिल्ली में, तो इतनी सुबह सुबह दिल्ली कैसे आया? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने पूरी प्रॉपर प्लानिंग कर रखी थी। तो मैं एक दिन पहले ही दिल्ली आ गया था, मैंने रूम ले रखा था और मैं अब सुबह सुबह रूम से चेकआउट करके निकला हूं, क्योंकि देखो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मे बी गुड़गांव से आते टाइम कुछ प्रॉब्लम हो जाए या रोक लिया जाए चेकिंग करते वक्त, तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया और मैं एक दिन पहले ही दिल्ली आ गया। और आपको पता होगा कि यहाँ पे पार्किंग वार्किंग रेस्ट्रिक्टेड होती है, तो इसलिए यार अगर बाइक वाइक से आते तो उसको पार्क कहाँ करते। तो इसलिए मैंने रूम लिया, वहाँ पे सारा सामान रखा, क्योंकि आपको पता होगा आप अपने साथ कुछ भी नहीं ला सकते, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल और अपना आईडी कार्ड, आईडी प्रूफ कुछ भी। तो इसीलिए मैंने प्लानिंग की प्रॉपर, रूम लिया और मोबाइल लिया और अपना सारा सामान रूम पे रख दिया और अब मैं जा रहा हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही। क्योंकि आपको पता होगा आप अपने साथ घड़ी वड़ी किचन वीचन कुछ भी नहीं रख सकते, सिर्फ और सिर्फ कपड़े और ज़्यादा से ज़्यादा अपना मोबाइल फ़ोन और एक आईडी प्रूफ, सिर्फ यही चीज़। तो यार अगर मैं घर से निकलता डायरेक्ट तो ये पॉसिबल नहीं था मेरे लिए कि मैं घड़ी लेके ना निकलूँ, बाइक से कुछ ना हो मेरे साथ। तो इसीलिए रूम लेना ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन था और रूम से निकलो, अब रूम पे अपना सारा सामान रख दो और अब निकल जाओ। तो मैंने भी ऐसे ही किया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये है दिल्ली की सड़कें और सब जा रहे हैं परेड देखने। तो ये सड़कें इतनी खाली इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पे सारे व्हीकल कुछ भी आना अलाउड नहीं है। और भाई, परेड देखने जा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, जो मुझे सीट मिली है वो मिली है एनक्लोज़र 21 पे, तो मैं एनक्लोज़र 21 की तरफ ही बढ़ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इंडिया गेट के पास तो पहुँच गए, बट अब बढ़ रहे हैं अपनी सीट की तरफ। तो मैं अपनी सीट ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, सामने देख सकते हो ये है इंडिया गेट, कितना खूबसूरत लग रहा है सुबह सुबह। और इधर से स्टार्ट होगी परेड। तो फ्रेंड्स, फाइनली अपनी सीट पे पहुंच गए हैं, काफ़ी ज़्यादा चेकिंग करवाने के बाद हेलो और चलने के बाद अब अपनी सीट पे बैठ चुका हूँ और आपको अवे शान के साथ मुझे पास की सीट मिल चुकी है, तो यहाँ से काफी अच्छा कर्तव्य पथ व्यू आने वाला है, पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है। तो फ्रेंड्स, अभी 8 बज रहे हैं और जो इवेंट है, जो प्रोग्राम है, वो स्टार्ट होगा 9 बजे। तो काफी ज्यादा पब्लिक आ चुकी है। Guard their dreams, protect their passion, steadfast and steady. आपको बता नहीं सकता कि क्या फील कर रहा हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हो तो आपको यहाँ पर आकर आना पड़ेगा। जब आप आकर खुद यहाँ पर परेड देखोगे ना लाइव, तब आपको पता लगेगा कि क्या फील होता है। तो सामने यहाँ पर एक बैंड की रिहर्सल चल रही है, यहाँ पर दूसरे बैंड की Disguised to look ordinary.
तैयार। देशवासियों आप सबके राष्ट्र प्रेम से अभिभूत होकर मानो कह रहा है, कभी मीरा कभी नानक कभी रसखान हो जाऊं, कभी अपने शहीदों का मैं तन मन प्राण हो जाऊं। मैं वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं, तिरंगे की तरह लहरा के हिंदुस्तान हो जाऊं। ऊंची ग्रेनाइट से बनी इस प्रतिमा का अनावरण पिछले वर्ष सितंबर माह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से ही हुआ था। सामान्य दिनों में भी इस समर स्मारक पर प्रतिदिन हजारों देशवासी आते हैं और श्रद्धान्वित होते हैं देश के वीर सैनिकों और शहीदों के प्रति। प्रतिदिन यहाँ जो रिट्रीट सेरेमनी होती है उसमें शहीदों के परिजनों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। यहाँ आकर परिजन के प्रवेश द्वार पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वाहन पहुंच चुका है और वहां स्वागत के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री। सामने से प्रेसिडेंट का कॉन्वे आ रहा है। एक ऐसा नेतृत्व जो कोविड वैक्सीनेशन से लेकर हथियारों के साथ साथ विचारों की आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। एक ऐसी आत्मनिर्भरता जिसकी बुनियाद जननी जन्मभूमि स्वर्गदत्त गरियसी की पुरुषोत्तम परंपराओं में। Being escorted by the president's bodyguard on their way to the saluting desk from Raisina Hill. The president's bodyguard and the senior most regiment of the Indian Army. Republic Day 2023 is very special this year and the President's bodyguard would be celebrating 250 years since its raising in 1773. The Commandant of the President's bodyguard, Colonel Anoop Tiwari, is riding to the right of the President's car, leading this elite body of horsemen mounted on this charger, Glorious. To the left of the President's car is the Second-in-Command of the Regiment, Lieutenant Colonel Ramakant Yadav, mounted on this charger, Sultan. The President's bodyguard is unique and distinct amongst all regiments, not only in India, but also in the entire world. It is the CNMO's cavalry regiment carrying out mounted ceremonial duties for their president. Its officers and men are excellent horsemen, trained tankmen and paratroopers. These magnificent horses of the elite President's bodyguard are bred by the Remounted Veterinary Corps and are looked after by 44 Malay Veterinary Hospital under command of Colonel Neeraj Gupta. It has seen action in 1962 in Chushul, in 1965 in the Western Theatre, in 1988 in Operation Permanent Sri Lanka, and during Operation Vijay in 1999. Troops of the President's bodyguard have served in UN operations, and a detachment of the regiment also serves on the highest and coldest battlefield in the world, the Siachen Glacier. The men of this illustrious regiment do their share of the field with the Russian rifles and operating the second in high altitude air. The ceremonial escort under the commandant is made up of two divisions, one in front of the president's car and one in the rear. The front division is being commanded by Reserve Band Major Ajay Kumar Astride Azad. Immediately behind the president's car is the trumpeter on his grey steed Alexander, followed by the regimental colours carried by Reserve Rajesh Kumar Punia, who is mounted on Ace. The rear division is under the command of Reserve Harpal Singh, mounted on Gabbar. The motor and war cry, President's bodyguard, Bharat Mata Ki Jai. In our Republic Day celebrations, both countries are celebrating the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations this year. India and Egypt enjoy warm and friendly relations based on civilizational and deep-rooted people-to-people ties. Over the past years, President El-Sisi and our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi have had several meetings to explore new ways of bringing the two countries together and elevating it to new heights. Our leader Saurabh Sharma. 871 फील्ड रेजिमेंट की सेरेमोनियल बैटरी के लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार सेना मेडल की कमान में 21 सलामी दी जाएगी। आप सभी से इस दौरान अनुरोध है कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें।
सलामी दी जानी चाहिए। जो आपको धमाके की आवाज सुनाई दे रही है, ये तोप की आवाज है। टैंक से लैस एक आर्मर्ड ब्रिगेड, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स की एक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स और पश्चिमी मोर्चे पर देश की प्रतिष्ठित स्ट्राइक कोर की सशक्त कमान संभाली। इस कमांड प्रोफाइल असाइनमेंट के फलस्वरूप जनरल ऑफिसर को मैकेनाइज्ड ऑपरेशन से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन तक का बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त है। अपने 35 वर्षों के अनुकरणीय सैन्य सेवा काल में आपने कमान के BGS ऑपरेशंस के साथ साथ सेना मुख्यालय में पर्सपेक्टिव प्लानिंग, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, क्षमता विकास एवं आत्मनिर्भरता में 2 महत्वपूर्ण वरिष्ठ स्टाफ नियुक्तियों सहित कई अहम स्टाफ व कमान पदों को सुशोभित किया। आपने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवास और डिफेंस सर्विसेज होने का सम्मान पाया। आपने पेरिस फ्रांस में प्रतिष्ठित कमान जनरल स्टाफ कोर्स, हायर कमांड राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज और कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका से रक्षा अधिग्रहण प्रबंधन पाठ्यक्रम भी उत्तीर्ण किया है। देवी और सज्जनों, स्ट्राइक कोर की सफल कमान के बाद अगस्त 2022 से आप जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया के पद सभी क्षेत्रों में ऑपरेशनल अनुभव रहा है। इनमें उत्तर पूर्व में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, सियाचिन में उच्च तुंगता क्षेत्र एवं पश्चिमी सीमा में रेगिस्तान सेक्टर शामिल है। आपने पश्चिमी फ्रंट पर स्ट्राइक कोर के अधीन कुमाऊं रेजिमेंट की 5वीं बटालियन की कमान संभाली। आप जम्मू एवं कश्मीर में माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर रहे एवं पश्चिमी सीमाओं पर रैपिड स्ट्राइक उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आपने आर्मी स्कूल और एमिनेशन इंग्लैंड में भी पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। जनरल ऑफिसर ने 16 दिसंबर 2022 को मुख्यालय दिल्ली एरिया में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर कार्यभार सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र 13 जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स। दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाले वो योद्धा जिन्होंने जान की बाजी लगाई। कर्तव्य पथ पर G1 कैवलरी का दस्ता, दस्ते की कमान कैप्टन रायजादा शौर्य बाली संभाल रहे हैं। विश्व में अपनी तरह की घुड़सवार रेजिमेंट होने का गौरव। टॉप अटैक और भाग रहे दुश्मन की बख्तरबंद दस्तों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। आदर्श वाक्य 17 मैक हर मैदान फतेह। And now approaching the saluting dais is the mechanized column of infantry combat vehicle BMP-2 of mechanized infantry regimental center led by Captain Arjun Sidhu of 6th Battalion Mechanized Infantry Regiment. ICV BMP-2 named The Ghosh, Kiki, Soso, Lahar Gyalo. Medium regiment, well led by Lieutenant Prakash Tiwari. Having a firing range of 40 kilometers, the track self-propelled gun system is at greater mobility, longer range, higher rate of fire, and increased battlefield survivability. Go to the regiment Sarvada Sarva Pratham, which means always the first. Yes, I am brimming with skill. I demolish. 400 kilometers. Yes, ladies and gentlemen, it is none other than it is the detachment of Brahmos of 861 Missile Regiment, led by Lieutenant Prajwal Kala. Brahmos is capable to. कुछ ही मिनटों में नहर नाले जैसी दुर्गम बाधाएं पार कराने में सक्षम DRDO द्वारा निर्मित ये स्वदेशी पुल दर्शाते हैं कि भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड दस्तों का मार्ग कोई बाधा रोक नहीं सकती, न रुकेंगे न झुकेंगे। The next detachment, ladies and gentlemen, is of mobile microwave node and mobile network center of 4 of signals, led by Major Mohammad Asif Ahmed of 2 Army Headquarters Signal Regiment. Consists of 2 vehicles, a mobile microwave node along with mobile network center. Major Mahima Kataria of 2 Army Headquarters Signal Regiment is in charge of the mobile network center. The mobile microwave node is developed indigenously and upholds the Atmanirbhar Bharat mission. The
motto of the corps is Tibra Chokas, which means अलग लेवल की एनर्जी फील हो रही है बिल्कुल मजा आवे छे सुनील दशरथ अकॉम्पनीड बाय लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ऑफ 512 मजा आवे छे मजा मिसाइल रेजिमेंट जोरदार टीम कैपेबल ऑफ फायरिंग शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल अगेंस्ट एनिमी एरियल प्लेटफॉर्म्स आकाश वेपन सिस्टम कैपेबल ऑफ कीपिंग मिसाइल के मैकेनाइज्ड दस्ते के बाद अपारी है गौरवशाली मार्चिंग दस्तों की कर्तव्य पथ पर शौर्यपूर्ण कदमों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते मार्चिंग दस्ते उसी समय में मंच के आगे से गुजरेंगे सबसे पहले मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का कोऑर्डिनेशन देखो एक नंबर नेतृत्व बाधाएं आती है आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं पांव के नीचे अंगारे सर पे बरसे यदि ज्वालाएं कदम बढ़ाकर चलना 27 उत्कृष्ट बटालियन से सुसज्जित एक ऐसी युवा रेजिमेंट जिसमें 15 इन्फेंट्री बटालियन शामिल सन 1965 के भारत पाक युद्ध के पश्चात लाइव परेड देख के इस रेजिमेंट फील हो रहा है अलग लेवल की एनर्जी शांति मिशन के अंतर्गत और भाई विदेशों में भी भारत का परचम सपोर्टिंग कर रहा है पर मुझे लग रहा है शायद स्टोरेज भी फुल हो जाएगी एवं राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का शियायुक्त बैंड शेरे जवान की सुर लहरियां बिखेरता हुआ बैंड में 100 शूरवीर संगीतकार शामिल है रेजिमेंट के सूबेदार राजेंद्र द्वारा और इनका साथ दे रहे हैं आर्मर्ड फोर्स सेंटर एवं स्कूल के मंडल पैराशूट रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार राजेंद्र सिंह परंपरागत सैन्य समारोह हो खेल का मैदान या अन्य समारोह सैन्य धुने हमेशा which was awarded in 1839 in recognition of his voluntary crusade overseas first time during the first time शिवाजी महाराज की जय इनका साथ दे रहे हैं सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के नायब सूबेदार जतेंद्र सिंह और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर के हवलदार लक्ष्मण सिंह यह बैंड अप्पू की धुन के साथ शान से आगे बढ़ रहा है We never stop because we have thing of 21st Battalion Dogra Regiment. Dogra Regiment is one of the most prestigious and decorated regiments. घर आएगा दुश्मन की नियत में कोई खोट मेरी अब हुंकार बनेगी पूरी बालाकोट अगला दस्ता गलवान के बलवान बिहार रेजिमेंट का स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 12वीं बटालियन बोल बजरंग बली की जय और ठीक उन्हीं के पीछे सुल्तान तो ये है इंडियन संयुक्त मिशन बैंड दस्ता असम रेजिमेंटल सेंटर महा रेजिमेंटल सेंटर और जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का 100 संगीतज्ञ शामिल नेतृत्व कर रहे हैं महारेजिमेंट गुरुमाई धुन का अगर कोई कहता है कि वह मरने से नहीं डरता तो वह या तो झूठ बोल रहा है या वह कुरखिकरवार गोरखा ब्रिगेड भारत और नेपाल के बीच मजबूत सांस्कृतिक और जय महाकाली आयो गोरखाली वतन की सर बुलंदी में हमारा नाम हो शामिल गुजरते हमको रहना है सदा ऐसे मकामों से मंच की ओर अग्रसर अगली झांकी हमारे पूर्व सैनिकों की जो भारत के अमृतकाल में पूर्व सैनिकों की प्रतिबद्धता की विषय वस्तु पर आधारित है अगले भाग में चित्रित भारत वर्ष का 3D नक्शा प्रतीक आजादी योजनाओं के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण वृक्षारोपण डिजिटल माध्यम से पोल्यूशन मैपिंग कृषि में ड्रोन्स का इस्तेमाल डिजिटल जागरूकता इत्यादि में पूर्व सैनिकों द्वारा किए जा रहे अद्वितीय योगदान को दर्शाती है कलम और स्पैनर प्रतीक इनके विस्तृत ज्ञान के इनके योगदान के Here comes the Seahawks, Indian Navy, war ready, courageous and organized. Ladies and gentlemen, we have Indian sailors of Indian Navy contingent led by Lieutenant Commander Disha Amrit, Lieutenant Ashwini Singh, Sub-Lieutenant Priyanka Sharma and Sub-Lieutenant M. Aditya. This contingent consists of 3 women and 6 men Agnivi. Next, ladies and gentlemen, on the heels of
designed as the induction under Atmanirbhar. The tableau depicts woman air crew of Dornier aircraft flying overhead, highlighting all women crew surveillance sortie undertaken in the year 2022. And now paving their way on Kartavya Path with commitment. Dressed in colorful ceremonials, this band has enthralled its audience across the country and overseas. And behind the Air Force band is the marching contingent of the Indian Air Force. The Indian Air Force marching contingent comprising 144 Air Force. Up in the air, three MiG-29 air superiority fighters flying in big formation led by Group Captain Chitwan Arora. The three supernumerary officers of the IF marching contingent. Behind the contingent commander are Flight Lieutenant Ayush Agrawal, Flight Lieutenant Tanush Malik, and Flight Lieutenant Pradhan. And now the Indian Air Force tableau display WNC Netra and C-295 bolster the fighting and logistics capabilities. Induction of women cadres in all ranks enhances the Nari Shakti. Also depicted, a team of Garuds in combat gear with laser designation equipment as specialist weapons. Ladies and gentlemen, next we have the RDO tableau. Moving now on the Kartavya Path, securing nation with effective surveillance communication and neutralizing threats. Captain by Saurabh Verma, Scientist E. The tableau showcases various technologies for safety on the Kartavya Path and captained by R.R. Morey, Scientist F. It's a wheeled armored personnel carrier carried on a specialist 70-ton trailer. Both the Wheeled Armored Defense Research and Development Organization. The Wheeled Armored Personnel Carrier is a modular hydraulic suspension for better mobility. Kartavya Path Par Padik Ajay Akhand Bharat Ka Gantantra Ka Rashtra Vyapi Prateek Rashtriya Ekta Aur Akhandata Ka Pramaan Hai Kartavya Path Ghar Mein Jao Ran Mein Yuthan कान खोलकर सुन ले दुश्मन मातृभूमि के कणकण को कैप्टन अक्षय के नेतृत्व में इस दस्ते में पुरुषों और महिलाओं का मिश्रित मार्चिंग दस्ता है एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष और नारी दोनों के लिए समान अवसर का प्रतीक महिला सैनिक अग्रिम मोर्चों पर चाहे उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो जम्मू कश्मीर या संयुक्त राष्ट्र मिशन हो 4 अशोक चक्र 33 कीर्ति चक्र 5 वीर चक्र 422 सेना मेडल आदर्श कर्तव्य सर्वोत्तम दुर्गा माता की जय और ठीक उन्हीं के पीछे कर्तव्य पथ की फिजाओं में मिठास घोलता असम राइफल्स के ब्रास बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं वारंट ऑफिसर राजेश कुमार पाइप बैंड का हवलदार पूर्ण बहादुर राय 83 संगीतकार असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई कि मधुर धुन बजाते हुए संगीत शौर्य शक्ति का सशक्त संगम द नेक्स्ट कंटिजेंट मार्चिंग स्विफ्टली एट कर्तव्य पथ इज ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड Sentinels of us of Indian Coast Guard is Vayam Rakshamaha, which means we protect. और अब देवी और सज्जनों आप देख सकते हैं सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ब्रास बैंड के 102 उत्साही जवानों का दस्ता इंस्पेक्टर शमशेर सीआरपीएफ के ब्रास बैंड के ठीक पीछे है नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए सीआरपीएफ का एकमात्र पूर्ण नारी प्रधान दस्ता पीपल ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है दस्ते की कमान संभाल रही है असिस्टेंट कमांडेंट पूनम गुप्ता अखंड ज्योति जल रही मशाल तंग उबल रही है चाल तंग कुचल रही प्रकांड धुन निकल रही अचल रही अटल रही डरी हुई सीआरपीएफ को पहली महिला सशस्त्र पुलिस बटालियन बनाने का गौरव प्राप्त है सीआरपीएफ दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है सीआरपीएफ के पास अब तक के सबसे बड़े वीरता पुरस्कारों की संख्या है प्लेइंग द ट्यून गंगोत्री
Protection Force Band is Railway Protection Force Marching Contingent. The contingent approaching the saluting dais is of the Railway Protection Force led by Saurabh Kumar. RPF personnel rescued 17,756 children and saved 852 lives during the year 2022. और अब रेलवे सुरक्षा बल के बाद दिल्ली पुलिस की गीत धुन के साथ कर्तव्य पथ पर अपनी शौर्यपूर्ण सुरलहरियां बिखेरता अगला दस्ता दिल्ली पुलिस बैंड का नेतृत्व बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा इस दस्ते में एक इंस्पेक्टर 9 सब इंस्पेक्टर 15 हेड कांस्टेबल एवं 42 बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह 39वीं बार इस बैंड में भाग लेते हुए एक नया कीर्तिमान बना रहे हैं और इसके पीछे महिला आईपीएस अधिकारी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्वेता के सुगाथन के सशक्त नेतृत्व में अगला मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस का इसमें एक राजपत्रित अधिकारी दो सब इंस्पेक्टर 44 हेड कांस्टेबल एवं 100 कांस्टेबल शामिल हैं। इस गौरवशाली दस्ते ने 1950 से लेकर आज तक अनवरत गणतंत्र में बीएसएफ का उल्लेखनीय कलंगी गोरबंद अचकन कमरबंद मोहरी और झालर कोटा से सजा ये दस्ता सबका मन मोह रहे हैं। सभी जवान 6 फीट से ऊंचे और चाहे राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी हो लू के थपेड़े या गुजरात का कोसों दूर फैला रख कच्छ का रण रेगिस्तान का जहाज सुरक्षा और चौकसी में सीमा प्रहरियों का सबसे भरोसेमंद साथी आदर्श जीवन पर्यंत are the power of our tomorrow and the energy of our today. So here comes, ladies and gentlemen, with swelling chest, the future power in nation building, National Cadet Corps Boys Marching Contingent, young and dynamic cadets of NCC, led by Senior Under Officer Pujari Sivanand of NCC Directorate Maharashtra. NCC has 17 directorates, which comprises of nearly 14 lakh cadets on its roll. NCC is one of the last officer Abhishek Chauhan and Sweksha Gupta. Red streaks, long hair, colorful dress, high heels, pretty face, soft heart. Haha, not our thing, because we are not just girls. We are NCC Girls Marching Contingent. Yes, ladies and gentlemen, under the command of Senior Under Officer Sonali Sahu of NCC Directorate Odisha, we have NCC Girls Marching Contingent consisting of 148 senior division cadets. Of unity, discipline, integration, and community development. NCC. तो एक-एक करके झांकी आ रही है, तो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, इंडिया की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है. Even for those who appreciate the sound of silence. रिप्रेजेंट कर रही है कुरुक्षेत्र की भूमि और प्रसिद्ध दुर्गा पूजा पर केंद्रित पश्चिम बंगाल की झांकी यूनेस्को ने कोलकाता में दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक act on the first day of the Mahabharata battle. Kurukshetra celebrates the anniversary every year. At the International Gita Mahotsav, with an objective to spread the worldly wisdom of Bhagavad Gita to the entire globe. Here we have, ladies and gentlemen, a tableau
from the land of holy rivers and home to Ayodhya and Mathura, the birthplace of Lord Rama and Lord Krishna, Uttar Pradesh, showcasing the theme of three-day deepotsav in one of the most important pilgrimage city, Ayodhya, which created a Guinness World Record by lighting 1,71,000 lamps in the year 2017. Cultural display that fosters equilibrium in the diversity of the hallmark of mother of democracy, that is India. What sets our nation apart is that in spite of the crisscrossing of a plethora of culture, language, religion, and a nation for a bit, in this multi-hued character of India, there is one common denominator, one belief, one prayer, one ethos, the nation first, always and every time. और ये देखिए कर्तव्य पथ पर 107 डेयर डेविल्स के साहस का सैलाब लेकर आ रहे हैं कैप्टन आशीष राणा, जिन्होंने जोर से लड़ने को अकेला ही काफी हूँ मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूँ, हर हकीकत को मेरा ख्वाब समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए एक ही काफी हूँ। और अब देखिए जिम्मी की पोजिशन में नायक देसाई अजीत, कोर ऑफ सिग्नल, आज हर विपदा से लड़ रहा है भारत, नए नए आसमान छूने जा रहा है भारत। ये मोटरसाइकिल है या वायुयान, या जमीन है या आसमान, मुश्किलें हैं आसान नहीं। योग इतना प्रचलित हो चुका है कि हमारे जाबाजों ने तो योग को बाइक पर ही करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं सूर्य नमाज नमस्कार करते हुए हमारे डेयर डेविल्स, वाह क्या बेफिक्री है, सिग्नल के कलर को बड़े ही शान से थामे हुए और अपनी उत्कृष्ट एकाग्रता का अद्भुत उदाहरण देते हुए। आपको ये फिल्म की शूटिंग तो नहीं लग रही, जी नहीं, ये रील के नहीं, रियल हीरोज हैं। ये भारत माँ के वो सपूत हैं, ये भारत माँ की रक्षा में सीना ताने खड़े हैं, ये साहस और निर्भीकता के प्रतीक हैं। चलते हैं अब सिग्नल रॉकेट की उड़ान की तरफ, सिग्नल की संचार व्यवस्था का संदेश देते हुए कि वैज्ञानिक तकनीकों वाले हम ले आए नए उजाले, विश्व दृश्य के परिवर्तन हम, नई सदी के द्वार खड़े हम, नई जागरण नई किरण हम, नई प्रगति। और अब देखिए 18 फीट की लैडर पर खड़े हवलदार सुजीत मंडल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए, ये पहली बार 18 फीट की लैडर पर कर तिरंगा। जी हाँ देवियों और सजनों, ठीक सुना आपने, 18 फीट की ऊंचाई पर पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए। और अब देखिए देश के विकास का रथ सिग्नल रथ की फॉर्मेशन में हमें ये बताते हुए कि भारत की उत्थान प्रगति का रथ अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये है आज का भारत जो ना थक बढ़ रहा है, वह नया इतिहास नया विकास। और अब देखिए देवी और सज्जनों, अभिमन्यु की फॉर्मेशन में कोर ऑफ सिग्नल के फ्लैग को लहराते हुए तुम समय की रेस पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन, देखता तुम्हें आसमान, कल की तुम मशाल हो, सबसे बेमिसाल हो। इनफो वॉरियर्स बेहतरीन तालमेल पूरी तरह से, डू वेलकम द फर्स्ट फॉर्मेशन प्रचंड इन द फ्लाई पास्ट इज प्रचंड फॉर्मेशन कंप्राइजिंग वन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अलॉन्ग विद टू अपाचे हेलीकॉप्टर्स एंड टू एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स मार्क 4 फ्लाइंग इन अपने फॉर्मेशन फॉर्मेशन की धड़कनों में आप हैं। आप जब विश्व मंच पर राष्ट्र ध्वज लहराता है, हर जन जन का सीना गर्वित हो जाता है, जब नया झलकता आत्मनिर्भर भारत का अभिमान यहाँ झुकता है, देश के कदमों पर आकाश यहाँ आतंक पर समझौता कभी न करता है, जो आंख उठाते सदियों तक अब डरता है, हर एक अकेला आज यहाँ शत शत है, यह उदयमान भारत। माननीय मुख्य अतिथि के इंक्लोजर के सामने विशेष स्थान देकर
माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को चरितार्थ किया। आशा है आज कर्तव्य पथ पर मौजूद सभी, अभी आप देख रहे हैं देवी और सज्जनों, नहीं आ रहा यार, हमारे माननीय। तो फ्रेंड्स, फाइनली रिपब्लिक डे का प्रोग्राम खत्म हुआ, अब सब अपने घर के लिए निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा पहली बार लाइव रिपब्लिक डे को देखकर। तो फ्रेंड्स, आपको भी मौका मिले तो आप भी जरूर देखने आओ भाई, अलग ही एंथुजियाज्म, अलग ही तरह का जोश फील होगा आपको जब आप यहां पर आकर रिपब्लिक डे की परेड लाइव देखोगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक का, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।